जिला परिषद व पंचायत समिति के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी रिपाई बरियम रासपा शिव संग्राम महागठबंधन के अधिकृत उम्मीदवार कीर्ति धनराज पड़ोले सुनीता नीलेश बुचुंडे और कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली गई विशाल रैली और घर घर में किए जा रहे प्रचार को मतदाताओं का भारी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। आइए डालते एक नजर। जिला परिषद व पंचायत समिति सार्वत्रिक चुनाव 2020 के लिए भारतीय जनता पार्टी रिपाई आठोले बरियम रासपा शिव संग्राम महागठबंधन के अधिकृत बेसा डोंगरगांव जिला परिषद सर्किल के उम्मीदवार कीर्ति धनराज बड़ोले और बेसा पंचायत समिति सर्किल की उम्मीदवार सुनीता नीलेश बुचुंडे इनके प्रचार रैली पूरे जोर शोर के साथ अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए इनकी प्रचार रैली पूरे जोर शोर से निकाली गई। आप अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सुबह से ही उम्मीदवारों के साथ पैदल प्रचार कर रहे थे। जिस परिसर की गली से उम्मीदवार आगे बढ़ रहे थे, कार्यकर्ता भी पूरे दमखम के साथ जोरदार जिंदाबाद और वारे कमल आ गया कमल के नारे लगा रहे थे। सबका साथ सबका विकास हो और बेसा डोंगरगांव जिला परिषद सर्कल और बेसा पंचायत समिति सर्कल में जितनी भी समस्याएं हैं उनका निपटारा बहुत जल्द किया जाएगा और यहां के नागरिकों को पूरी सुविधा दी जाएगी। बुजुर्ग व्यक्ति, छोटे बच्चे, महिला पुरुष आदियों के लिए ग्रीन जिम, लाइब्रेरी, खापरी गांवठान को अदर्जा का पुनर्वसन करना, बेरोजगारों को रोजगार देना, वरिष्ठ नागरिकों को शासकीय सुविधा का लाभ दिया जाएगा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शुद्ध पानी, बिजली, लाइट, दर्जेदार शिक्षा और बाकी विकास काम भी हम लोग जरूर करने वाले हैं। ऐसा विश्वास जिला परिषद बेसा डोंगरगांव सर्कल की उम्मीदवार कीर्ति धनराज बड़ोले और बेसा पंचायत समिति सर्कल की उम्मीदवार सुनीता नीलेश बुचुंडे और भाजपा के तमाम पदाधिकारियों ने INBCN के समक्ष जानकारी दी। आइए डालते हैं एक नजर। लोकसभा विधानसभा के बाद अब की बारी जो है वो जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव की है। हम आपको बता दें कि जिला परिषद चुनाव के लिए यूं तो कई उम्मीदवार खड़े हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस बार में जो उम्मीदवार दिए हैं वो बड़ी सूझबूझ और पढ़े लिखे ऐसे उम्मीदवार है। जी, हम बात करने जा रहे हैं बेसा डोंगरगांव जिला परिषद सर्कल की कीर्ति धनराज बड़ोले, जो कि इस समय में हमारे साथ में है। ठीक उसी प्रकार से बेसा पंचायत सर्कल की सुनीता ताई बुचुंडे भी हमारे साथ में। ये तमाम कार्यकर्ता सुबह से ही अपने उम्मीदवारों के प्रचार और प्रसार के लिए नारे देते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो उम्मीदवार है या क्या कामकाज करने वाले, आइए जानना चाहेंगे इस समय में। कीर्ति हमारे साथ में। कीर्ति, ये बताइए कि एक बतौर उम्मीदवार करके आप खड़ी हो, क्यों चुनाव में खड़ी हो, क्या कारण लेके आप खड़ी हुई हो? यहाँ पे लाइट नहीं थे, पानी की बहुत समस्या थी, हर रोज एक टैंकर आता था, तो मैं वो कामें करना चाहती हूँ, लोगों को पानी, रास्ते और जहाँ पे ओपन स्पेस है वहाँ पे ग्रीन जिम्स बनाना चाहती हूँ, वाचनालय बनाना चाहती हूँ ताकि बच्चे वहाँ पे जाके पढ़ सके, कुछ कर सके भविष्य के लिए, ये करना चाहती हूँ। और जैसे कि बूढ़े लोग हैं, उनको जो निराधार का जो महीना है वो भी चालू नहीं हुआ है, तो वो करना चाहती हूँ मैं उन लोगों के लिए। जैसे हैंडीकैप लोग है तो उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, जैसे उनको, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा आता है महीने का, तो वो भी नहीं मिल पाता उन लोगों को, उन तक पहुंचता ही नहीं, तो मैं वो करना चाहती हूँ, जैसे कि वो अपना कुछ कर सके, पेट भर सके। जैसे कि मैं गांव में गई, जैसे मैंने पूरा सर्वे किया, तो वहाँ पे जैसे पानी नहीं है कुछ गांव में जाने के लिए रास्ते नहीं है, तो उन लोगों की समस्याएं दूर करना चाहती हूँ। वो लोग बोलते हैं कि हमारे लिए कुछ करो, सिर्फ वोट मांगने आओगे क्या, तो मैं उन लोगों के वो भी करना चाहती हूँ बस। काफी अच्छी जानकारी इन्होंने दी कि जब भी ये अपने उस
परिसर का जब भी दौरा किए तो ऐसी कई समस्याएं हैं जो नागरिकों ने इनको समस्या बता दी किस प्रकार से, और ये तमाम समस्या हल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसा ही समय में जो बेसर डोंगरगांव जिला परिषद सर्कल की कीर्ति बड़ोल है, इन्होंने ये कहा है। दूसरी उम्मीदवार सुनीता बुचुंड हमारे साथ में। सुनीता जी, ये बताए कि आप चुन के आने के बाद क्या करना काम करना चाहोगे? गवर्नमेंट के थ्रू जो भी ग्राम पंचायत में जो भी योजनाएं हैं वो सबको उसका लाभ देने का प्रयत्न करूंगी। और हमारे मिहान पुनर्वसन जो भी नया एरिया है वहाँ पे बहुत से काम अभी भी पेंडिंग है, वो पूरा करना चाहती हूँ। चलो, तो ये पूरा काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कुछ पदाधिकारी भी है जो दिन रात इनके लिए काम कर रहे हैं, अपने पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में ये पार्टी कितनी मजबूत है इसका अंदेशा हम लगा सकते हैं। ये तमाम जो दिख रहे पदाधिकारी, ये सुबह से इनके लिए पूरे कंधा से कंधा मिलाते हुए, और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अक्सर पार्टी में ये देखा जाता है कि कार्यकर्ता कम रहते हैं, पदाधिकारी काफी ज्यादा होते हैं, मगर यहाँ पदाधिकारी भी उतने हैं जितने की कार्यकर्ता है। ये बात कहूंगा कि कार्यकर्ता बहुत बढ़ चढ़ कर आगे है, और ये कार्यकर्ता हर घर घर जाके इस प्रकार के पॉम्पलेट बांटकर अपने उम्मीदवार का प्रचार प्रचार करते हुए दिखाई देते हैं। कुछ पदाधिकारी हमारे साथ में। सर, आप बताइए कैसा लग रहा है इस बार का चुनाव? भारतीय जनता पार्टी ने एकदम सक्षम उम्मीदवार दिलेला है आणि शिक्षित उम्मीदवार है। त्याकरिता मागील 15 वर्षापासून भारतीय जनता पार्टी ने या भागात देसाबेलतोरडी मध्ये विकासाची गंगा आणली, त्याकरिता आमचा विजय निश्चित आहे। त्यामुळे आमचे दोन्ही उमेदवार भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने हे निवडून येतील, 100% ग्वाही देतो आणि माझे दोन शब्द संपवितो। संजय जी हमारे साथ में, जो कि काफी पुराने पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने काफी अच्छे कामकाज किए हैं, यानी सबको एक साथ लेके चलने की जो बात है वो उनमें है। संजय जी, ये बताइए कि क्या जिस प्रकार से कुछ पार्टियां हैं जिन्होंने कामकाज नहीं किया, ऐसा आरोप बार बार लगाया जाता है, क्या आपकी पार्टी भी इस प्रकार का काम करती है क्या? देखिए, नमस्ते, जय भीम सब बेसा बेलतरोडी के लोगों के लिए। डोंगरगांव बेसा ये सर्कल हमारा है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ रह चुका है, और बेसा बेलतरोडी पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे जो विकास किया है, और दूसरी पार्टियाँ जो है, जो कांग्रेस है, आज तक बेसा बेलतरोडी या डोंगरगांव खापरी पुनर्वसन में एक पत्थर एक रोड उनका दिखता नहीं है। जो भी 95% बेसा बेलतोरडी डोंगरगांव में काम हुआ है भारतीय जनता पार्टी के मार्फत से हुआ है, माननीय चंद्रशेखर बावनकुड़े साहब के वजह से हुआ है, फडणवीस साहब के वजह से हुआ है। तो यह की जनता ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हमेशा रहती। इस बार भी जिला परिषद के निवडणूक में भारतीय जनता पार्टी के जो भी उम्मीदवार है उनको भारी बहुमतों से चुन के देंगी। इतना बोल के मैं अपने दो शब्द समाप्त करता हूँ। बिल्कुल, भारी बहुमतों से चुन के आने की बात इनके तो इनको पूरा विश्वास है, क्योंकि जिस प्रकार से जो कामकाज चला है वो अपने आप में एक ही समय में। हरीश कंगल जी हमारे साथ में, जो भी भारतीय जनता पार्टी के काफी अच्छे नेता भी और काफी अच्छे उनके कामकाज भी रहे। कंगल साहब, ये बताए कि क्या कहना चाहोगे इस पूरे चुनाव को लेकर? देखिए, मैं यहाँ पर 2004 से रह रहा हूँ। एक समय ऐसा था कि वसात बाहर के लोग कॉलोनी में आए थे, लेकिन हमें ऐसा लगता था कि गांव ही है, बेसा बिल्कुल गांव जैसा ही लेकिन निर्माण था। लेकिन जब से बावनकुड़े साहब यकीनी आमदार बने यहाँ इस क्षेत्र के, और आमदार बने का 15 साल में जो विकास काम हुआ भारतीय जनता माध्यम से ही हुआ है। आप सबको पता होगा कि रेलवे क्रॉसिंग से बेसा तक जाने के लिए रास्ता नहीं था, अने लोग यकीनी गिरते पड़ते थे, लेकिन जो 15 करोड़ का जो रास्ता बावनकुड़े साहब ने मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आने के बाद में हुआ, बेसा से मानेवाला बिल्कुल गांव तक, और अभी शंकरपुर तक जो सीमेंट रास्ता बन रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे बावनकुड़े साहब मिनिस्टर बनने के बाद में 9 करोड़ का रास्ता बन रहा है। आप सबको पता होगा कि बेसा बेलतोरडी में पानी के टैंकर के लिए हर साल 70 लाख रुपए ग्राम पंचायत खर्च करती थी 5 साल में। वो खर्चा सिर्फ बावनकुड़े साहब ने पानी की 230 करोड़ की योजना MGP की लाई है, और उसके माध्यम से आज की पानी की टंचाई बेसा बेलतोरडी की खत्म हो चुकी है। आपको पता होगा कि शंकरपुर पुनर्वसन जो है वो बिहार में जाने के बाद में वहां के गाँव के लोग जो ये करते थे आंदोलन उनका सिर्फ बावनकुड़े साहब के माध्यम से ही आंदोलन को उनका पावरफुल आंदोलन जो हुआ है बावनकुड़े साहब ने पुनर्वसन करके, वहां पर आप देखिए कि ये कॉलोनी बोलते हैं ना रामदास पेट जैसी कॉलोनी में पुनर्वसन लगती है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आपको पता होगा कि रेलवे क्रॉसिंग जो मनीष नगर का है उससे हमें इतना दिक्कत होती थी कि आधा घंटा रुकने के लिए बहुत तकलीफ होती थी, पेशेंट रहता था तो वो जगहों पर एम्बुलेंस में मर जाता था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस साहब ने
वहां से अजनी चौक से जो ब्रिज बना है मेट्रो का, वहां से कनेक्ट बेसा को किया है, एंड आप पिपला से आएंगे तो भी सीधा कि ना आप अजनी के लिए निकल जाओगे, 10 मिनट में बर्डी पहुंच सकते हैं। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसके अलावा अंडरग्राउंड केबलिंग 30 करोड़ की योजना सिर्फ बाउंगड़े साहब ने की है। बिल्कुल, आपके बाउंगड़े साहब ने सब कुछ किया, ये आपका मानना है, लेकिन आपके जो उम्मीदवार चुन के आएंगे उनके लिए कुछ काम बचा है कि नहीं? जी बचा है, जो उम्मीदवार चुन के आएंगे उनके लिए भी काम बचा है, क्योंकि आपको देखिए अभी जो 60 साल के जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनको एक 50% का एक सब्सिडी होता है बस में या रेलवे टिकट के लिए, उसका एक हम बहुत बड़ा कैंप लगाने वाले हैं उम्मीदवार जीत के आने के बाद में, ताकि बस स्टैंड पे अभी 2 दिन पहले ऐसा हुआ कि 50-60 बुजुर्ग जो 70 साल के थे जो खड़े नहीं हो सकते बेचारे, एक दो तीन जन तो बुजुर्ग बेहोश आके गिर पड़े। आपका कहना है कि बुजुर्ग के लिए भी कुछ आप करना चाहते हो, तो आप हरीश खंगाली जी ने बखवेर बेबा के साथ बात करते हुए ये कहा कि वे भी कुछ बुजुर्ग के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और जो नागरिक उनके लिए करना चाहिए। ये दो उम्मीदवार हमारे साथ में जो है, एक कीर्ति मैडम है और एक सुषमा मैडम है, सुनीता मैडम है, चलिए उनसे मैं मुझे दोनों से एक ही सवाल पूछ रहा है कि अक्सर ये देखा जाता है कि लोग चुनाव में खड़े होते हैं, चुनाव जीते लेकिन 5 साल तक अपनी शक्ल नहीं बताते, ऐसा लोगों का कहना है, क्या आप भी अपने चेहरे नहीं बताने वाले? नहीं नहीं नहीं, मैंने तो सोचा है कि जैसे कि हर महीने में मेरे वार्ड में मतलब सबको, जैसे कि बूथ प्रमुख है, जैसे मेंबर्स है, उनसे मीटिंग लूँगी और मैं उनसे पूछूँगी कि लोगों की क्या हाल है, क्या समस्या है, और फिर उसके हिसाब से मैं मेरा शेड्यूल बनाऊँगी, ये मैंने सोच के रखा है। आपने क्या सोचा है? मैंने भी वही सोचा है कि जिनकी जिन जहाँ जहाँ अपना एरिया है पूरे एरिया में एक मीटिंग लेके उनसे संवाद करके उनसे उनकी जो भी समस्या है उनका निवारण करने की कोशिश करूंगी। आप दोनों पूरी तरह से काम करने के लिए तैयार? पूरी तैयारी। कार्यकर्ता क्या कहते हैं? बिल्कुल, इस प्रकार का ये जो उत्साह है और जो एक कॉन्फिडेंटली उन्होंने बात किया है, जो कामकाज है वो करना चाहती है, और बशर्ते चुनाव जीतने के बाद भी हर उम्मीदवार से नागरिकों की यही उम्मीद रहती है कि वो हमारे पास है, हमारी समस्याओं को सुने, और हमारे जो कामकाज जो मूलभूत अधिकार है वो तो हमें थोड़ा मिलता है, मगर जो मुख्य जो बातें होती है वो परिसर में मिलती नहीं है, जो इनके जरिए चुनाव जीतने के बाद उम्मीदवार के तौर पर वो मिलती रहती है, चाहे सरपंच हो, ग्राम पंचायत हो, या और भी कुछ जो विधायक हो, खासदार हो, इनके माध्यम से मिलता है, और यही कामकाज इनके माध्यम से हो जाना चाहिए, ऐसे लोगों की मांग है। और मैं आपको बताती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के ये दोनों जो उम्मीदवार इस समय मेरे दाएं बाएं जो खड़ी है, इनको लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जगह जगहों पे इनको जीत का परचम ये लहराएंगे, ऐसा विश्वास हो उन नागरिकों से जब हमने बात की, उन्होंने बताया कि ये दोनों का भारी बहुमत से चुनाव जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार है, इनको अपना आशीर्वाद भी ये लोग दे रहे। आखिर देखना होगा कि जीत किसकी होगी, जीत का परचम कहाँ लहराएगा, और जो जीत का जो ऊंट है वो किस करवट बदल लेता है, आखिर देखना ये होगा कि लोकतंत्र में जीने वाले यूं तो कई लोग अपने लिए खुद के लिए जीते हैं लेकिन लोगों के लिए जीने वाले बहुत कम लोग होते हैं, ऐसे में ये दोनों लोग अपने परिसर के अपने जितने सर्कल आते बेसा हो, डोंगर गांव, यहां के नागरिकों के कितने कामकाज आते हैं एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि घोड़ा मैदान जो नजदीक है। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मीरे, INBCN न्यूज नागपुर।